आपने मेरी शादी का डेट फिक्स कर दिया, एक दिन बाद है मैं आया हूँ और आपने मुझे भी नहीं बताया। कहती ऐसे बकवास मत किया कर, ये देख व्हाट्सएप पे मैसेज है, मैंने लिखा है 15 दिन बाद तेरी शादी फिक्स कर दूँ बेटा, तूने कहा है हाँ वो भी 2 बार। मैं कहा मम्मी वो हाँ नहीं वो हाँ हाँ है। हाय माय नेम इज़ विनय तिवारी एंड आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स नाउ। एनी गेसेस मैं शादी के पहले क्या करता था? नहीं, मेरे जो मन में आया वो करता था भाई। एक्चुअली बाद में मम्मी पीछे पड़ गई, मम्मी कहती बेटा शादी कर ले, मैं कहा नहीं सही तो चल रहा है, चिल चल रहा है ना लाइफ, लेकिन मम्मी नहीं मानी पीछे, बेटा शादी कर ले, नहीं बेटा कर ले, नहीं मैं थोड़ी सी तो कर ले। मैं रेडी नहीं, फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि सुन बेटा शादी ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे तुम्हारे साथ एक और पार्टनर आता है, जो तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अकेले टैकल कर रहे हो ना, उसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारे साथ एक और बंदा होता है, फिर तुम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और मैं मान गया, अब रियलाइज होता है कि उतनी कुछ प्रॉब्लम तब थी भी नहीं मुझे, सही तो चल रहा था मतलब। और मम्मी ये नहीं बताया कि अब हम दोनों मिलकर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली वो प्रॉब्लम है ही इसीलिए क्योंकि अब हम दोनों साथ में हैं। शादी के पहले पता है आपको जो बैचलर होता है ना, जैसे आप में से काफी लोग बैचलर हो गए, आप लोग रिलेट कर पाओगे, शादी के पहले जो बैचलर होता है एकदम जानवर की तरह होता है। अरे एक्चुअली मैं पता है क्या, मैं एकदम स्लीपर पहन के मैं जंगल में घूमता था, मेरे घर के पास जंगल था, मैं स्लीपर पहन के जंगल में घूमता था, कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अब वो स्लीपर पहन के मैं घर में घुस जाऊंगा तो जान को बड़ा खतरा हो जाता है मेरे। मतलब ऐसे पैर अंदर रखा तो दोनों पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगी। और क्या करूंगा मैं पैर को हाथ में लेके, मतलब फुद्दू लगूंगा ना चलते हुए। अभी ना आप लोग ऐसा जज मत कर लो कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है अरेंज मैरिज ये सब वो सब, क्योंकि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो फुद्दू ही होगा। नहीं फुद्दू नहीं था, गर्लफ्रेंड थी मेरी, कॉलेज के टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड थी, एकदम ऐसा सीरियस अफेयर था। ठीक है, कॉलेज का लास्ट डे, फाइनल एग्जाम खत्म हुआ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिला और मैंने उसको कहा कि आई थिंक आई चीटेड। कहती तू क्या चीट करेगा मुझे, तू क्या चीट, मैं तुझे खुद 2 साल से बोलना चाह रही हूँ, मैंने तुझे 2 साल से राहुल के साथ चीट कर रखा है, मैं तुझे श्रीकांत के साथ चीट किया है, मैंने तुझे सुरेश के साथ भी चीट किया है, ले। मैं कहा मैं एग्जाम की बात कर रहा था। ये ना आप लोगों को मजा तो आया लेकिन आपके डिसअपॉइंटमेंट के लिए बता दो कि ये झूठ मूठ की स्टोरी है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। ये स्टोरी एक्चुअली उन लोगों को डेडिकेटेड है जिनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड तो क्या फ्रेंड भी नहीं होती है, लेकिन 4 पैक टिकाने के बाद अपने दोस्त के कंधे पे हाथ टिका के बोलते हैं कि सुन तेरा भाई भी स्टड हुआ करता था। लेकिन ना आप लाइफ में कितने भी फुद्दू हो, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स को हमेशा यही लगता है कि मेरा बेटा या बेटी बाहर जाते हो तो मचाते ही होंगे, है ना। अरे एकदम मतलब उनको लगता है भाई कुछ क्या कर रही है मोबाइल में, क्या करता है ट्यूशन जा करके, यही सब सोचते थे हमेशा। मुझे पापा एक दिन बोले कि सुन बेटा बाहर आराम से रहियो, बहुत सारी बुरी लड़कियाँ होती है जो भोले भाले लड़कों को देख के फंसा लेती है। हमने कहाँ है वो लड़कियाँ, कहाँ है, इतने साल में मुझे एक ना फंसाई। मेरे पापा का तो एक पेटेंटेड डायलॉग था, मतलब आप बात करो मेरे पापा से हर दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन वही चिपका देंगे। मेरे पापा कहते हैं कि सुन बेटा लड़की के पीछे मत भागना, एक लड़की जाएगी तो दूसरी आएगी, पेरेंट्स के साथ रहो, पेरेंट्स एक ही होते हैं। यार इमोशनल लाइन है ना, लेकिन रोज थोड़ी बोलनी होती है, रोज रोज बेटा लड़की के पीछे मत भागो, एक लड़की जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन पेरेंट्स एक ही होते हैं। मतलब पापा क्या बात कर रहे हो आप, दूसरी लड़की के आने के लिए पहली लड़की का जाना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है पहली का आना। देखो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, राइट, तो शादी आपकी आंखें खोल देती है ना, कसम से। और मेरी अरेंज मैरिज थी, मतलब मैं अंधा भी नहीं था, समझ रहे हो। मैं अपनी मम्मी को बोला मम्मी मेरी आंखें क्यों खोली, मेरा तो सही था ना। तो मम्मी कहती है सुन बेटा
जरूरत से ज्यादा खुशी भी इंसान को अंधा ही कर देती है। तो तुझे ये समझाना जरूरी था कि लाइफ इतनी भी चिल नहीं है जितनी तू कर रहा है। तो मतलब मम्मी से मैंने ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, ठीक है कि कर लो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि देख के फिक्स ही कर दो। पता नहीं क्या, एक दिन मैं टूर पे गया, 15 दिन का टूर था मेरा, और क्योंकि मैंने कहा था हाँ ठीक है मैं कर लूँगा शादी, और मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं जस्ट गेस कर सकता हूँ कि मम्मी सुबह उठी होगी, आलू छील लिए, मटर भी छीला हुआ है, क्या अरे एक बेटा है उसको कुंवारा बच गया बोल दो, आज ही फिक्स कर दी थी मम्मी ने, शादी फिक्स कर दी थी। मैं 15 दिन के टूर पे हूँ, मम्मी ने 16वें दिन की शादी फिक्स रखी है, 16वें दिन शादी है, और मम्मी शादी फिक्स करके खुद ही एक्साइटेड मोड में चली गई, फुल एक्साइटेड, बेटे की शादी फिक्स कर दी, बेटे की शादी, मतलब मोहल्ले भर के लोगों को बुला बुला के बताया है, और उस एक्साइटमेंट में मुझे ही बताना भूल गई। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी फिक्स हो गई है घर पे, मम्मी सबको बता रही है भाई, मतलब कि ऐसे बालकनी से लटक लटक के, अरे शर्मा जी छोटे बेटे की शादी फिक्स कर दी, बहू बीकॉम है बीकॉम, किसी को भी, मतलब बिजली वाला आता ना घर में, हमारे यहाँ पे ऐसे बिजली वाला आता है, आप यहाँ पे बिल्डिंग्स में नहीं होता होगा, बट जो सिंगल हाउसेस होते हैं वहाँ बिजली वाला आता है और कहता है बहन जी मीटर दिखाइए, मम्मी अरे मीटर क्या देख रहे हो, चलो तुमको बहू की फोटो दिखाती हूँ, बहू बीकॉम है बीकॉम, पता नहीं क्या बीकॉम का इतना शौक। एक दिन मेरे यहाँ भाजी वाला आया, मम्मी ने उसे आलू खरीदे 2 किलो, मम्मी को सोचा होगा आप कैसे इसको कैसे बताऊँ, तो मम्मी कहती है कि सुन आलू अच्छे रेट लगाइयो, कुछ दिन बाद मेरे घर में छोटे बेटे की शादी है, तुझसे ही लूँगी सारे आलू, बहू बीकॉम है। भाजी वाला बोलता है माँ जी मैं एमकॉम हूँ। माँ भड़क गई, मम्मी कहती मेरी बहू ने बीकॉम ही नहीं किया, खाली बीकॉम भी किया है, एमकॉम भी किया है, एमबी भी किया है, एमबीबीएस भी किया है, एलएलबी भी किया है, डॉक्टरी सिलाई कढ़ाई बुढ़ाई सब आता है, रजनीकांत ला रही है क्या। मम्मी ने फिक्स कर दिया मैं टूर पे हूँ। फाइनली मैं टूर से नागपुर आया, एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ से एक ऊबर पकड़ी, 2 कौड़ी को मतलब इंडिका लेके आया था टूटी फूटी, खड़र 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 खड़ करते हुए हम लोग अपने घर के बाहर पहुँचे, और इतनी 2 कौड़ी की इंडिका, जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ पीछे से ये भी बोला सर 5 स्टार दे देना, मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ उतनी देर में मम्मी आ गई सामने में, और मम्मी ने रियलाइज़ किया कि शिट इसे तो बताना भूल ही गई कि कल इसकी शादी है। तो मम्मी का तरीका देखो, बेटा जल्दी 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 तैयार हो जा, कल शादी में जाना है अपने को। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, एक्चुअली तेरी ही शादी है। हाँ मैं कहा मम्मी ये क्या तरीका हो गया, आपने मेरी शादी का डेट फिक्स कर दिया, 1 दिन बाद है मैं आया हूँ और आपने मुझे भी नहीं बताया। कहती ऐसे बकवास मत किया कर, ये देख व्हाट्सएप पे मैसेज है, मैंने लिखा है 15 दिन बाद तेरी शादी फिक्स कर दूँ बेटा, तूने कहा है हाँ वो भी 2 बार। मैं कहा मम्मी वो हाँ नहीं वो हाँ हाँ है। उसके बाद आपको हंसने वाली इमोजी नहीं दिखाई दी, अच्छा मुझे लगा खुशी के हंसू है। पीछे से बोल रहा सर 5 स्टार तो दे देना, अरे मेरी मम्मी पीछे, अरे मेरी मम्मी बोलती है कि 5 स्टार छोड़ तू चल अंदर, तुझे डेरी मिल्क 5 स्टार सब दिलाती हूँ, बहू बीकॉम है बीकॉम।